आपने सुना नहीं? हम कुछ पूछ रहे हैं। और तुमने देखा नहीं कि हमने सुनकर भी अनसुना कर दिया? हमें शक था कि आपके पर फिर से निकल रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि आपके पर तो कभी काटे ही नहीं। आपका टैटू तो हम बाद में दबाएंगे, पहले उसका दबाएंगे जिसे हमने आप सबके पर काटने भेजा था। कौन था वो जो उसे फतेह करने आया था? इसका जवाब तो बस एक ही इंसान दे सकता है। आज हम पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? अब हमने क्या कर दिया? अब नहीं, बरसों पहले। बरसों पहले हमने क्या किया? सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, सवाल ये है कि आपने क्या नहीं किया। बरसों पहले हमने आपको राजमाता और गायत्री की बेटी को मारने भेजा था। अब आप हमें सच सच बताइए, क्या वाकई में आपने उन्हें मार दिया? आज इतने सालों बाद ये सवाल? हमें सवाल के बदले सवाल नहीं, जवाब चाहिए। आपने उन्हें मार दिया था या नहीं? चले जाइए प्रियम बता, यहां से बहुत दूर चले जाइए, इससे पहले कि बड़ी रानी माँ के सैनिक यहाँ पहुंच जाए। जाइए, जल्दी जाइए। हमने उन दोनों को काट कर जंगली जानवरों के सामने डाल दिया था। अगर आप सच कह रहे हैं तो सुवर्णा किससे मिल रही थी? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लाखन जिंदा है? लाखन? लाखन से हमारा क्या लेना देना? बेकार में हमारे मुंह पर तमाचा मार दिया। ये रानी अब तक आई क्यों नहीं? मां, आज मैं बिंदु से मिला। मैंने 7 साल में पहली बार अपनी बेटी को देखा। हाँ, मैं और स्वर्णा कल शादी कर रहे हैं। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। अब तक तो रानी को आ जाना चाहिए था। हे भगवान, आज तक उसने कभी ऐसा किया नहीं। कहीं किसी को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया होगा? आपको कैसे पता कि वो लाखन था? आपने उसका चेहरा देखा? नहीं। फिर हो सकता है कि वो कोई और हो? कोई और नहीं हो सकता कुंवर जी। सुवर्णा ऐसी औरत नहीं है कि उसका पैर फिसल जाए। और सुवर्णा की खुशी, उसका डर, दोनों हमसे कह रहे थे कि वो लाखन ही था। लाखन का तो हमें नहीं पता, लेकिन राजमाता और गायत्री की बेटी को हमने अपने हाथों से मारा, इसीलिए आप मान लीजिए कि वो दोनों मर चुके हैं। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो, मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी। यस जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहां कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो। रोशनी, यस जोकर, लिसन टू मी, डैम इट। यस इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। हे सरोजनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना। कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी, कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से।
सारी जागीर ना से। ये आमिर कोर्ट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोर्ट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, जो मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?